हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो बेहतरीन स्टॉक को एनालिसिस कर रहे हैं कल इंट्राडे मार्केट के लिए। तो सबसे पहले मार्केट को देख लेते हैं। तो जिस प्रकार से कल मार्केट में तेजी आई थी, उसी प्रकार से आज फॉल भी देखने को मिला। निफ्टी में हल्की सी गिरावट, निफ्टी नेक्स्ट 50 0.5% की गिरावट, मिड कैप इंडेक्स 0.5% की गिरावट, निफ्टी बैंक में भी 0.5% की गिरावट, सेंसेक्स में भी इसी प्रकार से गिरावट देखने को मिली। मतलब कल काफ़ी ज़्यादा होप देखने को मिल रही थी मार्केट में अपसाइड की, लेकिन आज उसी प्रकार से डाउनफॉल भी देखने को मिला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं किस प्रकार से अपडेट मार्केट का आता है। अब हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है वो आपको अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है उसका नाम है HDFC बैंक। HDFC बैंक की अगर मैं बात करता हूँ, बहुत शानदार तेज़ी देखने को मिल रही, मतलब बहुत शानदार। ठीक है, जून के महीने में भी बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली। थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट किया था, उसके बाद फिर तेज़ी, उसके बाद एक फॉल आया। ये फॉल दोस्तों जुलाई, मतलब अभी एक दो दिन में ही, मतलब ये फॉल ख़त्म हो गया, क्योंकि ये फॉल आने में 3 से 4 दिन लगे। लेकिन जुलाई की 1 तारीख को जिसने रिकवरी करना चालू करी, ये जो इम्पोर्टेंट रिजेक्शन लेवल था आप देख सकते हैं, इसको बढ़िया तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट देके दोस्तों क्या किया, आज की डेट में ब्रेक कर दिया। ठीक है, आज की डेट में ब्रेक कर दिया। अगर इस लेवल पे प्रेशर आया है तो इसी लेवल पे यहाँ पर भी प्रेशर आ सकता था, लेकिन बढ़िया तरीके से ऊपर गया, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और फिर से एक अपसाइड का मूवमेंट देने के लिए वो रेडी है। ठीक है, तो आराम से जो ये कंडीशन हमें देखने को मिली, देखिए प्रीवियस मंथ में भी उसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था, बस ये थोड़ी सी रुकावट देखने को मिली थी, देन इसके बाद एक बार फिर से गाड़ी उसकी अपसाइड का मूवमेंट दिखाने लगी है। ठीक है, तो हम इसी रीज़न से क्या करेंगे, स्टॉक को बाय करके चलने वाले। ठीक है, तो अगर कल की डेट में ये स्टॉक हमें दोस्तों 1730 पर मिलता है, ठीक है, तो हम बाय करके चलेंगे। ठीक है, पहला टारगेट लगाएंगे 1740 का, दूसरा लगाएंगे 1750 का, इस हिसाब से हम दोस्तों इसको मोमेंटम कैप्चर करेंगे। SL की मैं बात करता हूँ, 1720 का SL लेके चलेंगे, जो कि होगा 10 पॉइंट का। ठीक है, जब हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाएगा तो हमारा दोस्तों जो सेकेंड टारगेट है ना, उसका वेट करेंगे, लेकिन SL को कॉस्ट पर रख के। इस हिसाब से हम HDFC बैंक के ऊपर फोकस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट अपडेट करना चाहूँगा दोस्तों। ये है हमारा प्रॉफिट गुरु FNDAcall का टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर डेली बेसिस पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, बताई जाती है। आज भी बैंक निफ्टी के बारे में बताया गया कि बैंक निफ्टी का 52,700 का ऊपर का लेवल इंपॉर्टेंट है, 52,500 का नीचे का सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से निफ्टी के बारे में बताया कि निफ्टी का 24,225 का लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और 24,175 का सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है। आप जैसे ही बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल टूटा, वैसे पुट साइड में काम किया, टारगेट हिट, यहाँ पर भी दोस्तों हमारा टारगेट हिट, मतलब एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और एक बड़ा टारगेट अचीव हमने किया। जब दोस्तों 52,500 का लेवल टूटा ना, तो वहाँ से 375 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, और इसी प्रकार से निफ्टी के अंदर भी एक बड़ा फॉल आया। मतलब आप देख सकते हैं इतनी शानदार तरीके से दोस्तों हमें गिरावट देखने को मिली मार्केट के अंदर, जो हमने क्विक से दोस्तों क्या की, कैप्चर करी। अब जिस प्रकार से हम लेवल डेली बेसिस पे आइडेंटिफाई करके आप लोगों को बता देते हैं, तो इससे दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, जो नए ट्रेडर्स हैं उनको दोस्तों कॉन्फिडेंस मिल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों हम आप लोगों की हेल्प करते हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल को आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि डेली बेसिस पे इसी प्रकार का बेहतरीन अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड स्टॉक है हमारा दोस्तों भारत फोक का। अर्थ फोक की अगर मैं बात करता हूँ, तो स्टॉक दोस्तों काफ़ी ऊपरी लेवल से गिर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा समय बिता है लेकिन नहीं रुका, यहाँ पर थोड़ा सा समय बिता है लेकिन नहीं रुका। जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, जैसे आज की डेट में इसको रुकना था, लेकिन आज की डेट में मार्केट में प्रेशर आया और स्टॉक में भी काफ़ी ज़बरदस्त प्रेशर देखने को मिला। ठीक है, आज की डेट में भी ये लगभग 1690-1700 रुपये की रेंज में गिरावट दिखाना चालू किया, और लगभग 1750 रुपये के लेवल पर इसने कुछ समय बिताने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पर भी उसको बायर का सपोर्ट नहीं मिला और स्टॉक को दोस्तों नीचे फेंक दिया गया। तो जो ट्रेंड है, जो काफ़ी ऊपर से देखने को हमें मिल रहा है दोस्तों, हम उसी को फॉलो करेंगे। अगर ट्रेंड के हमने अपोजिट में दोस्तों ट्रेड करने की कोशिश करी, तो हमारा SL हिट तगड़े तरीके से होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो हमारे को जो शॉर्ट करना है इसको, तो कहाँ से करेंगे, अगर कल की डेट में 1640 पे मिलता है तो इसको शॉर्ट करेंगे। ठीक है, लगभग पहला टारगेट हमारा जो रहेगा दोस्तों वो 1635 का रहेगा, और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो 1630 रुपये का रहेगा। ठीक है, 5-5 पॉइंट के दो छोटे टारगेट रखेंगे, इससे दोस्तों हमारा टारगेट भी जल्दी अचीव हो जाएगा और हम एक अच्छा मोटा पैसा भी कमा पाएंगे, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी मेंटेन कर लेंगे, और 1645 का SL लेकर चलेंगे। इस हिसाब से हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। जब हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाएगा,
तो हमारे जो SL हमारी कॉस्ट पर आ जाना चाहिए, इस हिसाब से हम सेकेंड टारगेट का वेट करेंगे। ठीक है, तो ये दो बेहतरीन स्टॉक है, दोनों स्टॉक पे हमने हमारा टेक्निकल एनालिसिस आपको अपडेट कर दिया है। आप भी अपना टेक्निकल एनालिसिस जरूर करिएगा, उसके हिसाब से जो भी समझ में आता है उसके हिसाब से ट्रेड जरूर करिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारी चीज़ें अपडेट करती हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों।